नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी खसरा खतौनी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है? या आप जिस मकान में रह रहे हैं वो आपके नाम से है या नहीं यह जानना है? या आप जिस जमीन में खेती करते हैं वो जमीन किसके नाम से है, आपके नाम से है या किसके नाम से है यह जानना है आपको, तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाली है। चलिए दोस्तों, मैं हूं कमलेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं KSSK। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो घंटे का निशान आएगा उसे दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप लाभ उठाते रहें सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ आपको कि वह कौन सा ऐप है और वह कहाँ से डाउनलोड करना है और उसका यूज कैसे करना है। तो चलो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जाएंगे प्ले स्टोर पे। और सर्च बार में सर्च करेंगे पीएम आवास योजना न्यू लिस्ट 2020-21 और यहां से जो है इसे जो है सर्च कर देंगे दोस्तों। सर्च करने पर दोस्तों जो ये पहला ऑप्शन आएगा इसे खोल लेंगे, इस वाले को, और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों खोलेंगे इसे। मैंने इसे पहले ही इंस्टॉल कर रखा इसलिए मैं सीधा सीधा ओपन करूंगा इसे। ये वाला दोस्तों देखिए दोस्तों, इसका लोगो देख लें आप, कुछ इस तरह का लोगो है। और आप कहेंगे कि आप तो बताने जा रहे हैं खसरा खतौनी के बारे में और जो है ऐप लोड करवा रहे हैं पीएम आवास योजना का। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए क्यों कह रहा हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों, इस ऐप को ओपन करते हैं। यहाँ से दोस्तों ओपन करेंगे। दोस्तों ओपन करने पे कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आएगा, फिर इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आवास योजना लिस्ट ग्रामीण, आवास योजना लिस्ट शहरी, आधार कार्ड से देखा जा सकता है, इसमें भूलेख भी है जो कि अभी मैं आपको बताना है मुझे खसरा खतौनी के बारे में, राशन कार्ड का भी है, शौचालय योजना लिस्ट है, उज्ज्वला योजना लिस्ट है, बीपीएल धारकों की लिस्ट है, यहाँ ग्राम पंचायत रिपोर्ट है, नरेगा का जॉब कार्ड है, पेंशन सूची है और पेंशन सूची नाम से देखने का है। तो दोस्तों इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसीलिए मैंने जो है इस ऐप को आपको डाउनलोड करने के लिए कहा। कारण यह है कि भूले के साथ साथ आपकी बहुत सारी आवश्यकताएँ भी यहाँ से पूरी हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं जिस टॉपिक पे था उस पर आता हूँ। यहाँ से भूले खसरा खतौनी खोलेंगे जो है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये खुलने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब यहाँ दोस्तों साइड में देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखाता हूँ, जिले दिए गए हैं। इसमें से जिला आप खोलेंगे, जैसे मान लीजिए मैं गाजीपुर का हूँ तो मैं गाजीपुर यहाँ से खोलूंगा, यहाँ से गाजीपुर खोलूंगा। गाजीपुर खोलने के दोस्तों साइड में यहाँ पर आपका वो आ जाएगा जो है, तहसीलें आ जाएंगी। इसमें से तहसील चुननी है आपको, मान लीजिए मैं गाजीपुर से हूँ तो गाजीपुर ही चुनूंगा फिर दोबारा। देखिए दोस्तों ये खुल रहा है। देखिए दोस्तों ये ग्रामों के नाम खुल गए, गांवों के नाम खुल गए। आप यहां से जो अपना विलेज चुन लेंगे, मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों,
आलम पट्टी से हूँ तो मैं यहाँ से आलम पट्टी खोल लूँगा। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए खोजने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको। यदि आपके पास खाता संख्या है तो उससे खोल सकते हैं खसरा खतौनी का, और यदि नहीं है तो आप इसे नाम से भी खोल सकते हैं। मैं इसमें से दूसरा ऑप्शन चुनूंगा दोस्तों, ये वाला। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ नाम अंकित करना है मुझे, मैं नाम अंकित कर दूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे देखना है देखिए दोस्तों, मैं हरदेव, और यहां से इसे जो है ओपन कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन आ चुके हैं हरदेव बलदेव। यह तीन नाम दिए गए हैं, मतलब आलम पट्टी में इनके तीन जो है भूलेख हैं, तीन जो इनके वो हैं। अब मान लीजिए मुझे इस वाले का जो है विवरण निकालना है, तो दोस्तों यहाँ से जो है इस पे दूसरे वाले ऑप्शन पे उद्धरण कर देखें पे टैप कर देंगे। टैप करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, कैप्चा दिया गया होगा, कैप्चा आपको इसमें भरना है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ कैप्चा भरेंगे। यहां से कंटिन्यू कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, देख सकते हैं इसकी पूरी डिटेल निकल करके मेरे सामने है या आपके सामने है। देखिए इसमें इतने सारे जो खातेदार हैं इस जमीन में, इस नंबर में जो है। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से अपने जमीन का खसरा खतौनी या जिस जमीन का नाम देखना है, जिस जमीन में भी नाम देखना है वो देख सकते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर दें, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कैसी बनी हुई है और आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, से अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।